हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हिमाचली हर्बल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे नीली चाय के बारे में बताऊंगी कि नीली चाय क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, आज तक आप ग्रीन टी, ब्लैक टी या सिंपल टी के बारे में ही जानते होंगे, परंतु आज की वीडियो में मैं आपको नीली चाय यानी ब्लू टी के बारे में बताऊंगी वो कितनी फ़ायदेमंद है हमारे जीवन में। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। दरअसल दोस्तों, ये नीली चाय अपराजिता के फूलों से बनाई जाती है, जिन्हें हम बटरफ्लाई फ्लावर भी कहते हैं और कई लोग उसे शंखपुष्पी के फूलों के नाम से भी जानते हैं। वही फूल दोस्तों, आप ठीक सोच रहे हो, जो अपराजिता के फूल आपके आंगन को, आपके बाग बगीचों की शोभा बढ़ाते होंगे। दोस्तों, दिखने में जितने सुंदर इसके फूल होते हैं, दिखने में उतनी ही सुंदर इसकी चाय होती है, इतने ही अद्भुत गुण है इसके अंदर। दोस्तों, ब्लू टी जो होती है वो ग्रीन टी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, और इसमें जो हर्बल गुण होते हैं दोस्तों, वो भी ग्रीन टी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा होते हैं। साथ में दोस्तों, इसका टेस्ट, अब आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा, इसका स्वाद कैसा होगा, हम इसको कैसे पी सकेंगे। पर दोस्तों, आप इस बात की टेंशन ही छोड़ दो, क्योंकि ये ग्रीन टी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। दोस्तों, ब्लू टी की डिमांड जो है वो विदेशों में बहुत ज़्यादा है, और आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि वो ब्लू टी हमारे ही इंडिया से वहाँ जाते हैं। यहाँ के लोग इन ब्लू टी यानी कि अपराजिता के फूलों को सुखा कर उसका पाउडर बना के विदेशों में भेज रहे हैं। दोस्तों, जो ब्लू टी होती है उसके सेवन से काफ़ी तेज़ी से वज़न घटता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ब्लू टी बनाने का तरीका क्या है और इसके चौंका देने वाले फ़ायदे। पर पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हिमाचली हर्बल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, जो ब्लू टी होती है वो दिल को स्वस्थ रखती है, क्योंकि ब्लू टी यानी ब्लू चाय के सेवन से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, और इसके साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है, जिससे दिल की कई बीमारियों से हम बच जाते हैं दोस्तों, और तेज़ी से वजन को घटाता है। दोस्तों, वजन घटाने के लिए हम कई तरह के उपाय अपनाते हैं, पर ऐसे में अगर दोस्तों हम रोज़ाना एक ब्लू टी का सेवन कर लें तो तेज़ी से हम अपना वजन घटा सकते हैं, क्योंकि इस चाय की मदद से बहुत ज़्यादा फैट बर्न होता है, जिससे हमारा वजन तेज़ी से घटता है। दोस्तों, आँखों के लिए बहुत ही कारगर है ब्लू टी। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई है कि कम उम्र के बच्चों को ही आँखों में चश्मा लग गया है। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों का चश्मा उतारना चाहते हैं तो ऐसे में रोज़ाना ब्लू टी का सेवन करवाएं, क्योंकि इस टी से आँखों की रोशनी बढ़ती है और इसके साथ साथ आँखों की थकान, जलन और सूजन से भी छुटकारा मिलता है, और बच्चों का चश्मा भी उतर जाएगा, बच्चों का क्या, आपका चश्मा भी उतर जाएगा। दोस्तों, अगर हम रोज़ाना ब्लू टी का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाओं को खराब होने से बचाती है, जिस कैंसर सेल्स को बढ़ावा ही नहीं मिल पाता है, और ब्लू टी के सेवन से कैंसर जैसी घातक बीमारी का खतरा भी दोस्तों कम हो जाता है। दोस्तों, ब्लू टी में मौजूद अमीनो एसिड डिप्रेशन और एंग्जायटी को भी कम करते हैं। दोस्तों, आप अगर डिप्रेशन के शिकार हो, एंग्जायटी के शिकार हो, तो दोस्तों ब्लू टी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये दिन भर की थकावट को दूर करती है और दिमाग में एक रिफ्रेशनेस भर देती है। दोस्तों, ब्लू टी से हमारे बाल भी घने मजबूत बनते हैं, बालों की झड़ने की समस्या दूर होती है, और इससे हमारे चेहरे में जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं वो झुर्रियाँ भी ख़त्म होती हैं, और जो उम्र बढ़ने वाले निशान्स होते हैं हमारे चेहरे, दूर से ही दिखाई देते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। बॉडी को डिटॉक्स करता है दोस्तों ब्लू टी, और हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। दोस्तों, ये तो थे ब्लू टी के कुछ चौंका देने वाले फ़ायदे। अब बात करते हैं कि इतने फ़ायदेमंद चाय को हम बनाएं कैसे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको एक पैन में पानी लेना है। जब पानी दोस्तों हल्का गुनगुना हो जाए तो इसमें 4-5 हमें अपराजिता के फूलों को डाल देना है, और अच्छी तरह से पानी को उबलने देना है। दोस्तों, चाय अच्छी तरह से उबल जाए तो उसमें थोड़ा सा शहद मिला के उसको कप में सर्व करना है और पी जाना है, और दोस्तों ब्लू टी का लुफ्त लेना है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई हर्बल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।